जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी का मेरे एचएस भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको चंद्र ग्रहण से संबंधित जानकारी दे रहा हूँ। चंद्र ग्रहण के बाद में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका दान करना अति आवश्यक होता है। चंद्र ग्रहण के बाद में आप कार्तिक पूर्णमासी के दिन क्या क्या कार्य कर सकते हैं, कौन कौन से कार्य करने चाहिए, यह संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। चंद्र ग्रहण 5:36 पर पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा। 5:36 के बाद में फिर आपको स्नान करना है, खासकर गर्भवती महिलाओं को। स्नान के बाद में फिर आपको चंद्रमा से संबंधित चीज़ों का दान करना चाहिए। अक्सर बहुत से लोगों के मन में यह है कि जब हमारे यहाँ पर ग्रहण ही नहीं था तो हम दान का क्या मतलब है और हम नियमों का पालन क्यों करें। ग्रहण चल रहा है तो इसलिए आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। अक्सर गर्भवती महिलाओं को 2-3 घंटे का यह ग्रहण है, लगभग 5:30 तक यह ग्रहण चलेगा, तो आप नियमों का पालन जरूर करें। आपके यहाँ पर कम है ज़्यादा है ग्रहण, इससे कोई मतलब नहीं है। अगर आप नियमों का पालन कर लेंगे तो यह आपके बच्चे के लिए ही अच्छा रहेगा। जब चंद्र ग्रहण समाप्त हो जाए तब आपको स्नान के बाद में चंद्रमा से संबंधित जैसे मूली है, चावल है, दूध है, इन चीज़ों का दान विशेष ही शुभ माना गया है, यानी सफ़ेद चीज़ का। उसके साथ में आप और भी चीज़ें दान कर सकते हैं, लेकिन चावल, मूरी, गेहूं, चीनी, सफ़ेद वस्त्र, आटा, इन चीज़ों का दान जरूर करना चाहिए आपको। गर्भवती महिला का हाथ लगवा करके आप ये चीज़ें दान करें और आम लेडीज भी ये चीज़ें दान कर सकते हैं। उसके बाद में आज का दिन विशेष स्पेशल दिन है, यानी देव दिवाली और कार्तिक पूर्णमासी। तो शाम के समय अगर किसी को किसी भी प्रकार की परेशानी आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है, तो भगवान शिव जी के सामने चौमुखी दीपक जलाएं। भगवान शिव जी के सामने चौमुखी दीपक जलाएं और भगवान को खीर का प्रसाद भोग अर्पण करें। साथ ही पीपल वृक्ष के नीचे भी 365 बत्ती जलाएं और 108 परिक्रमा करें। भगवान श्री कृष्ण को तुलसी पत्र अर्पण करें, खीर का प्रसाद अर्पण करें, केसर डाल करके नारियल अर्पण करें, आंवला अर्पण करें और भगवान की भी ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र बोलते हुए 108 परिक्रमा लगानी चाहिए। इससे आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी। आज जो भी आप उपाय करेंगे उसका विशेष फल आपको मिलने वाला है। तो आज बड़ी पूर्णमासी है, आप इन चीज़ों का दान करें। साथ ही भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें, संतान गोपाल मंत्र का जाप करें। धन प्राप्ति के लिए माता लक्ष्मी जी की आराधना करें। माता लक्ष्मी जी को शाम के समय 8 गुलाब के पुष्प अर्पण करें, श्री माँ लक्ष्मी नमः कह करके। आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी। प्रत्येक कार्य में रुकावटें आ रही हैं तब भी आपको माता लक्ष्मी जी और पीपल वृक्ष के नीचे दीपक आज के दिन जरूर जलाना चाहिए, परिक्रमा करनी चाहिए। तो मुझे उम्मीद है आपको जानकारी अच्छी लगी। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।